फटाफट से बात करते हैं केयर एडवांटेज प्लान के बारे में। इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, ये पॉलिसी कैसे काम करती है और क्या इसमें कैसे एनरोल किया जा सकता है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऑल अप टू सम इंश्योर्ड कवर है दोनों ऑप्शंस के अंदर। 25 लाख से 1 करोड़ में भी और 2 करोड़ से 6 करोड़ में भी अप टू सम इंश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं। और 1 करोड़ अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। एडवांस टेक्नोलॉजी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए कवर रहेगी जब आप 25 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं, लेकिन अगर पॉलिसी 2 करोड़ से 6 करोड़ की ले रहे हैं तो अप टू सम इंश्योर्ड कोई सब लिमिट नहीं है। ऑर्गन डोनर अप टू सम इंश्योर्ड कवर। रूम एंड आईसीयू रूम की बात करें, कोई देयर इज नो लिमिट, आप आराम से यूज कर सकते हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन 25 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी के अंदर 30 दिन प्री और 60 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा। और ये अमेजिंग पॉलिसी है। जो लोग भी हमारे थ्रू इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, किसी और कंपनी से पोर्ट करके इस पॉलिसी में आना चाहते हैं, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं केयर एडवांटेज प्लान के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस में अमेजिंग प्लान है दोस्तों, और साथ में ग्लोबल कवरेज के बारे में भी बात करेंगे। ऑप्शनल राइडर इसमें अवेलेबल है और हेल्थ इंश्योरेंस की अमेजिंग पॉलिसी है। आप बड़ा सम इंश्योर देखना चाह रहे हैं, रीजनेबल प्राइसिंग में देखना चाह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर 25 लाख रुपए से लेके 6 करोड़ का सम इंश्योर अवेलेबल है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में, जो आपको पूरी मार्केट में किसी और प्लान में, किसी और वर्किंग में नहीं मिलेगा। इसलिए भी इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट पिछले 28 सालों से लोगों की हेल्प कर रहा हूं, उनको अच्छा और बढ़िया प्लान लेने में पूरी मदद करता हूं। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। और मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं। फटाफट से बात करते हैं केयर एडवांटेज प्लान के बारे में। इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, ये पॉलिसी कैसे काम करती है और क्या इसमें कैसे एनरोल किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं, इसमें दो वेरिएंट है, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ और दूसरा 3 सम इंश्योर्ड है 2 करोड़ 3 करोड़ और 6 करोड़। तो सबसे पहले बात करते हैं रूम रेंट कैटेगरी के ऊपर। तो यहाँ पर रूम की कोई भी कैटेगरी नहीं है, चाहे आप 25 लाख से लेके 6 करोड़ तक का कोई भी सब इंश्योर्ड लो, देयर इज नो सब लिमिट। आईसी रूम की भी कोई सब लिमिट नहीं है, आप तो सब इंश्योर्ड आप पॉलिसी को यूज कर सकते हैं। इन पेशेंट केयर जो भी हॉस्पिटलाइजेशन में जैसा भी ट्रीटमेंट चलेगा, सभी तरह का ट्रीटमेंट 25 लाख से लेके 6 करोड़ तक की किसी भी पॉलिसी में कोई सब लिमिट नहीं है, तो मतलब कोई भी सब लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बात कर ले डे केयर प्रोसीजर। ऑल डे केयर प्रोसीजर पॉलिसी में कवर है दोनों ऑप्शन में, चाहे आप 25 से 1 करोड़ की पॉलिसी हो या 2 करोड़ से 3 करोड़ की, 2 करोड़ से 6 करोड़ की पॉलिसी हो, देयर इज नो सब लिमिट्स। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स पॉलिसी में कवर होते हैं। बात कर ले प्री मेडिकल टेस्ट की, प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन 25 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी के अंदर 60 दिन और 180 दिन कवर है। सिमिलरली जब हम लोग 2 करोड़ से 6 करोड़ की पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर भी 60 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। इसमें भी कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग सेम है। नेक्स्ट बात कर ले एम्बुलेंस कवर। दोनों ऑप्शंस के अंदर 25 से 6 करोड़ तक अप टू सब इंश्योर्ड, देयर इज नो सब लिमिट। ऑर्गन डोनर कवर अप टू सब इंश्योर्ड कवर, बोथ ऑप्शन में अपना 25 लाख से लेके 6 करोड़ का कोई भी सब इंश्योर्ड आप चूज कीजिए। टोटल 6 ही सब इंश्योर्ड है, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ और 6 करोड़। बात कर लेते हैं नो क्लेम बोनस। तो दोस्तों यहाँ पर नो क्लेम बोनस 10% एवरी ईयर मिलता है। अगर आपका पॉलिसी में 10% से लेके 50% तक आपका अपग्रेड होगा और 10% ऑफ सम इंश्योर्ड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिक्रीज भी होगा। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा 10% करके इंक्रीज होगा, और जिस साल क्लेम आएगा जो बड़ा था 10% वो डिक्रीज भी होगा। 25 लाख से लेके 1 करोड़ की पॉलिसी में भी सेम ऐसी है। और सिमिलरली अगर पॉलिसी आपका 2 करोड़ से 6 करोड़ का, उसमें भी सेम वर्किंग रहेगा, 10% बढ़ेगा, मैक्सिमम 50% तक बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और क्लेम अगर आएगा तो डिक्रीज भी होगा, ये वर्किंग रहेगा। ऑटोमेटिक रिचार्ज अमेजिंग फीचर है अप टू सम इंश्योर्ड। ऑटोमेटिक रिचार्ज का मतलब है 25 लाख के साथ 25 लाख फ्री, 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ फ्री और 6 करोड़ के साथ 6 करोड़ फ्री। इनबिल्ट फीचर है, जब भी आपका एक्सिस्टिंग सम इंश्योर्ड कम पड़ेगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा पार्शली या फुल्ली, और उसके बाद भी कोई एडिशनल खर्चा आता है तो 100% एक्स्ट्रा रिचार्ज के नाम से फीचर आपको मिलेगा जो आप क्लेम कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को बोलते हैं। तो इसमें भी कोई भी सब लिमिट नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज में आपका हेल्थ पोर्टल आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें हेल्दी टिप्स कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें आप सारी अपनी नॉलेज वर्किंग शेयरिंग कर सकते हैं। और आपके लिए फ्री कंसल्टेशंस वगैरह रहता है। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस की बात करें तो अवेलेबल है दोनों ऑप्शंस के अंदर। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड, कोई भी इफ एंड बट नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एड ऑन प्रोटेक्ट प्लस। एक स्पेशल राइडर है जिसको हम ग्लोबल कवर बोलते हैं। तो ग्लोबल कवर ऑप्शनल है। जब आप 25 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी होती है जिसमें आप वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग इंडिया और वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएसए आप ले सकते हैं, जो भी ऑप्शन चूज करना चाहें, यूएसए कनाडा और इंडिया। तो आपकी चॉइस है कि आपको एक्सक्लूडिंग यूएसए कनाडा इंडिया करना है या नहीं करना है। तो ऑप्शन 25 लाख से 1 करोड़ वाली ऑप्शन में बता रहा हूँ। और सिमिलरली जब आप 2 करोड़ 3 करोड़ और 6 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएसए कनाडा इंक्लूडेड आपको लेना है। और ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग इंडिया, यानी कि इंडिया में पॉलिसी काम नहीं करानी है, आपको इंडिया से बाहर के लिए यूज करनी है तो आपको एक्सक्लूडिंग इंडिया करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कवरेज क्या रहेगी, यहाँ पर कवरेज क्या है, ओनली प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड। प्लान हॉस्पिटलाइजेशन 25 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में प्लान हॉस्पिटलाइजेशन होगा तभी कवर होगा। आप 2 करोड़ से 6 करोड़ की पॉलिसी है तो ऑल प्लान हॉस्पिटलाइजेशन प्लस इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होगा। ये स्पेशल फीचर है यहाँ पर कि इमरजेंसी भी यहाँ पर कवर है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऑल अप टू सम इंश्योर्ड कवर है दोनों ऑप्शंस के अंदर। 25 लाख से 1 करोड़ में भी और 2 करोड़ से 6 करोड़ में भी अप टू सम इंश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। एडवांस टेक्नोलॉजी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए कवर रहेगी जब आप 25 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी 2 करोड़ से 6 करोड़ की ले रहे हैं तो अप टू सम इंश्योर्ड कोई सब लिमिट नहीं है। ऑर्गन डोनर अप टू सम इंश्योर्ड कवर। रूम एंड आईसीयू रूम की बात करें कोई देयर इज नो लिमिट, आप आराम से यूज कर सकते हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन 25 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी के अंदर 30 दिन प्री और 60 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा और अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। सिमिलरली जब आप पॉलिसी 2 करोड़ से 6 करोड़ की लेते हैं तो 60 दिन पहले का और 120 दिन बाद का, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 120 डेज कवर होगा और ये भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर होगा, इसमें भी कोई सप्लीमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट बात कर ले लोकल रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर है दोनों ऑप्शन के अंदर, 25 लाख से 1 करोड़ में भी और 2 करोड़ से 6 करोड़ में भी। सिमिलरली एयर एम्बुलेंस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, 25 लाख से 1 करोड़ के ऑप्शन में नॉट एप्लीकेबल। लेकिन आप 2 करोड़ से 6 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर अप टू सम इंश्योर्ड एयर एम्बुलेंस भी यूज कर सकते हैं। और रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स का मतलब होता है पार्थिव शरीर को वहां से लेके आना। अगर इंडिया से बाहर कोई डेथ हो गई, मिसहैपनिंग हो गई या इंडिया में कहीं हो गई, उसको लाने का जो खर्चा है वो एक्सपेंसिस भी जो 25 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी है उसमें कवर नहीं है। लेकिन अगर आप 2 करोड़ से 6 करोड़ वाला पॉलिसी लेते हैं तो उसमें अप टू 5 लाख रुपीज तक का खर्चा कंपनी पार्थिव शरीर के लिए भी प्रोवाइड करती है। कंपैशनेट विजिट, कंपैशनेट विजिट 25 लाख से 1 करोड़ में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 2 करोड़ से 6 करोड़ की है तो यहाँ पर अप टू सम इंश्योर्ड मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन उसमें 5 दिन का होना चाहिए तभी एप्लीकेबल है, अप टू सम इंश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं कंपैशनेट विजिट भी। यहाँ पर केयर एडवांटेज का ऑप्शनल कवर्स की ओर बात कर लेते हैं तो नो क्लेम बोनस का एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, एनसीबी राइडर बोलते हैं इसको, जिसमें 50% का आप एडिशनल टॉपअप बूस्टर राइडर ले सकते हैं जिसमें 50% करके 2 साल बढ़ेगा, यानी कि जो 10% बढ़ रहा था वो 50 और 10 60% करके बढ़ेगा। टोटल आपकी पॉलिसी में 50 और ये 100-150% तक पॉलिसी अपडेट हो जाएगी। यानी कि अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी लिया और इस राइडर को साथ में लिया है तो 10% वहाँ से बढ़ेगा, 50% यहाँ से बढ़ेगा, टोटल 60% बढ़ेगा। 1 करोड़ की पॉलिसी में 60 लाख रुपए का बोनस ऐड हो जाएगा पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, अगेन 10% और 50%, फिर 60%, फिर अगेन 60% बढ़ेगा, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख की हो जाएगी। और बाकी के 3 सालों में एक 10 लाख रुपये बढ़ता रहेगा तो 1 करोड़ की पॉलिसी 2.5 करोड़ तक चली जाएगी। ऐसा फीचर इसमें अवेलेबल है, जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा उस साल ये ऑप्शन आपको मिल सकता है। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो अप टू सम इंश्योर्ड अप टू रुपीज 5 लाख का आप राइडर इसमें ले सकते हैं केयर एडवांटेज वाले ऑप्शन में, जिसमें नहीं था तो एड ऑन राइडर्स में ये अवेलेबल है। रिडक्शन इन पीडी, यानी कि अगर कोई पुरानी बीमारी का वेटिंग पीरियड आप कम कराना चाहते हैं तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड 4 साल से 2 साल में रिड्यूस करने का ऑप्शन है, जो कि इस राइडर के थ्रू मैनेज किया जाता है। को पेमेंट ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी पॉलिसी में को पेमेंट ऐड करना है, यानी पॉलिसी सस्ता करना है, कोई भी क्लेम आए तो मुझे अपने पास से पैसा देना पड़े तो 5%, 10%, 15%, 20% पर क्लेम फॉर ऑल कस्टमर फॉर एंट्री एज और 61 जो 61 से कम है उनके लिए, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आप खुद से लेना चाहे, को पेमेंट ऑप्शन लेना चाहे उसके लिए, जिससे प्रीमियम सस्ता होता है, और को पेमेंट का व्यूवर करना चाहे, व्यूवर मतलब होता है ऑलरेडी 61 के बाद इस प्लान के अंदर अगर कोई पॉलिसी लेता है तो 20% को पेमेंट लगता है। लेकिन आप चाहते हैं मुझे को पेमेंट हटवाना है, नया पॉलिसी ले रहे हो, 61 के बाद की एज में ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पर 20% को पेमेंट आप हटवा सकते हैं। जिसकी भी नई पॉलिसी ली, 61 से बाद जिसने भी पॉलिसी ली, उसमें हटवाने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर प्रीमियम बढ़ेगा। एनुअल हेल्थ चेकअप इसमें अवेलेबल है, ऑप्शनल कवर्स है, आप इसमें ले सकते हैं। और रूम रेंट मॉडिफिकेशन, आपको सिंगल रूम से बेटर अपग्रेडेड रूम लेना है, कोई और रूम कैटेगरी अपग्रेड करानी है, तो इस राइडर को आप चूज कर लीजिए, इससे आपकी पॉलिसी और सुपीरियर बेटर हो जाएगी। कुछ इसके अंदर 3 ऐसे और स्पेशल फीचर्स है जिसे हम बोलते हैं क्लेम शीट राइडर, ये जरूर लेना चाहिए, जिसमें आपका कवरेज फॉर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 68 नॉन पेबल आइटम्स कवर हो जाती है। ये क्लेम शील्ड राइडर बहुत हेल्पफुल रहता है, जो जरूर जरूर ऐड करना चाहिए। एनसीबी शील्ड, यानी कि जब भी आपका नो क्लेम बोनस है वो रिड्यूस ना हो, तो उसके लिए भी एनसीबी शील्ड आपको लेने से आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसमें नो लॉस नो ऑफ क्लेम, यानी जब भी कोई क्लेम आएगा तो रिवर्स नहीं होगा आपका, और 25% बेस सम एश्योर्ड तक रहेगा, 25% से रिड्यूस नहीं होगा। और इन्फ्लेशन शील्ड, इन्फ्लेशन शील्ड का मतलब है महंगाई बढ़ने से आपका 6% ऑटोमेशन उसमें बढ़ता रहेगा, चाहे क्लेम आए या नहीं है, ऑटोमेटिक आपका इंक्रीजेस होता रहेगा। ये भी राइडर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। कुछ इसमें वेटिंग पीरियड है जिसको आपने ध्यान रखना है। वेटिंग पीरियड क्या है, जब आप 25 लाख से 6 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो इनिशियल 30 डेज का नॉर्मल वेटिंग पीरियड होता है, जो सभी पॉलिसीज में, किसी बीमारी के लिए पहले 30 दिन पॉलिसी काम नहीं करती है। और अगर कुछ नेम्ड इलनेस है या कुछ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड वाली डिसीज है, सर्जरी की जरूरत है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी शू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फिस्टुला, फेब्राइड, इस टाइप की जो स्लो ग्रोन डिसीज होती है, इसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और कोई किसी को पहले से कोई बीमारी है, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, और वो डिस्क्लोज करके पॉलिसी लेते हैं, तो उनके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। और ये अमेजिंग पॉलिसी है। जो लोग भी हमारे थ्रू इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, किसी और कंपनी से पोर्ट करके इस पॉलिसी में आना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप इस पॉलिसी को हमारे साथ ले सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस ये पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दे। आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा। थैंक यू सो मच।